कि जो भी परंपरागत कार्यक्रम होते हैं उसी तरह के कार्यक्रम कष्ट ना होने पाए, इस तरह से होली का त्यौहार और सवे बारात का त्यौहार मनाया जाए। तो कहीं से भी अगर विघ्न डालने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जिनका भी आपराधिक इतिहास रहा है ऐसे कार्यक्रमों में, उनके विरुद्ध हम लोग निरोधात्मक कार्यांकन किया जा चुका है और हम लोग सोशल मीडिया पर भी हमारी नज़र रहेगी। नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। शबे बारात और होली के दृष्टिगत सिकंदरपुर पहुंचे एडिशनल एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी। बलिया के सिकंदरपुर में संभ्रांत लोगों के लिए पीस मीटिंग। एसडीएम सीओ पुलिस बल के साथ सिकंदरपुर नगर में किया पैदल मार्च। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस ने किया पाबंद। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस चौकी सिकंदरपुर के प्रांगण में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है, पुलिस की तीसरी नजर भी काम कर रही है। हम लोग सब मिलकर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगामी त्योहार को लेकर सिकंदरपुर में जो पीस कमेटी की बैठक रखी गई है सवे बारात और होली को लेकर, तो सर बलिया प्रशासन की तरफ से लोगों को क्या अपील की जा रही है और किस तरीके की तैयारियां हैं सर? आगामी होली और सवे बारात के त्यौहार के दृष्टिगत आज यहाँ कस्बा सिकंदरपुर में एसडीएम साहब, सीओ साहब के साथ यहाँ के सभी संभ्रांतजनों, पीस कमेटी के सदस्यों और जो भी पुलिस मित्र हैं उन सभी के साथ में यहाँ आज बैठक की गई है, जिसमें सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी परंपरागत कार्यक्रम होते हैं उसी तरह के कार्यक्रम होंगे और सभी लोगों को समाज के अन्य लोगों के मनोभावों को देखते हुए और किसी को भी उनके कार्यक्रम से कष्ट ना होने पाए, इस तरह से होली का त्यौहार और सवे बारात का त्यौहार मनाया जाए, कोई भी गैर परंपरागत कार्यक्रम ना होने पाए। और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा गया है। कोई विशेष ऐसी समस्या लोगों के द्वारा नहीं बताई गई है, कुछ बिजली पानी और सड़क को लेकर के कुछ समस्याएं बताई गई हैं। एसडीएम साहब साथ में हैं और ईओ मैडम भी साथ में थी, तो उनका निस्तारण कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी लोगों को यही बताया गया है कि साथ में मिल करके होली का त्यौहार और सवे बारात का त्यौहार सद्भावपूर्वक मनाएँ, उसमें पुलिस का सहयोग करें। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो त्यौहार का फ़ायदा उठाकर और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे सर प्रशासन किस तरीके से निपटेगी सर? मैंने ये चीज़ भी यहाँ कही है कि और यहाँ निर्देशित भी किया गया है कि जो भी पूर्व के विवाद रहे हैं और जो भी अराजक तत्व हैं जो इस कार्यक्रम को कहीं से भी अगर विघ्न डालने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जिनका भी आपराधिक इतिहास रहा है ऐसे कार्यक्रमों में, उनके विरुद्ध हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, उनका चिन्हांकन किया जा चुका है और हम लोग सोशल मीडिया पर भी हमारी नज़र रहेगी, हमारी सर्विलांस की टीमें भी लगी हुई हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी यदि व्यक्ति अफवाह फैलाना चाहेगा और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस अवसर पर तहसील क्षेत्र के सभी प्रधान एवं संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित थे। उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर अखिलेश यादव ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि होली का त्यौहार भाईचारा कायम करने के लिए बनाया जाता है और सिकंदरपुर गंगा जमुनी तहजीब कायम रहा है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर भूषण वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में अमन चैन कायम रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। त्योहार में आपसी भाईचारे बनाए रखते हुए त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाएं और शांति व्यवस्था कायम रखें। वहीं नगर पंचायत को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नगर वासियों ने अपील किया, जिसको नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सीमा राय के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि होली पर साफ सुथरा व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अवसर पर नजरुल बारी और बबलू मास्टर, प्रयाग चौहान, डॉक्टर उमेश चंद, कौशल श्रीवास्तव, गणेश सोनी, राकेश सिंह, इश्तियाक खान, हाफिज इल्यास, घनश्याम मोदनवाल, झूलन राजभर, विजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। पीस कमेटी की बैठक के बाद पुलिस का गश्त नगर पंचायत के सभी वार्डों का करते हुए बस स्टेशन पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर दिनेश चंद पाठक और चौकी प्रभारी रविंद्र पटेल के द्वारा सभी के प्रति आभार प्रकट किया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौहर खान की रिपोर्ट।